फ्लफी बाल हो गए हैं। सी पहले कैसे चिपक रहे थे आप देखें। वेलकम टू रियलिटी। जेब से गंदे बाल हो गए हैं, इसको स्प्रे करने की वजह से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम के साथ सब लोग, मैं हूँ नताशा वकास। मेरे पास है वायरल हेयर शैम्पू जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया ग्रिप कि ये शैम्पू कितना ज़्यादा वायरल है। मतलब ये ड्राई शैम्पू है और जैसे अभी मेरे बाल आपको नजर आ रहे हैं कितने चिपड़े हुए हैं तेल में, उन्हें कितना तैयार हुई हूँ, अब इतना तैयार हुई हूँ और बाल चिपड़े हुए, तो शैम्पू करना जो है वो एक ना हैक्टिक नजर आता है बहुत ज़्यादा कि यार अब शैम्पू करूँ, मतलब अब लेशेज लगाई हुई है, लेंस पहने हुए, शैम्पू करूँगी तो सारा कुछ उतारना पड़ेगा, फिर दोबारा सारा कुछ लगाना पड़ेगा। सो अगर ये प्रोडक्ट जो है वो वर्थ पाएंगे, काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, 1700 का आया आई थिंक, और अगर ये वर्थ पाएंगे कि भाई अच्छा ऑयल लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं, आप ये ड्राई शैम्पू बालों में स्प्रे करो और आपके बाल जो है बहुत ही प्यारे से जो है वो फ्रेश और फ्लफी हो जाएंगे। इसकी पैकिंग उतार दी है मैंने और लेट्स सी के वर्क करता है कि नहीं करता है। जो ढक्कन है इसका बोल रहा हूँ ज़्यादा, बाल कितने चिपके हुए मेरे, तो लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। डर लग रहा है मुझे क्योंकि यार बाल बड़े ख़राब होते हैं इन सब चीज़ों को रिव्यू करने की वजह से। निकल गया, उप्स निकल गया, ज़ाया हो गया, इतना महंगा प्रोडक्ट है, सोने का भाव मिला हुआ है। लगता है वर्क करेगा, अजीब से गंदे बाल हो गए हैं, इसको स्प्रे करने की वजह से। ठीक है, जैसे वाइट वाइट से नहीं बूढ़ियों के बाल होते हैं, इससे ज़्यादा मैंने अपने बालों में पाउडर छिड़क लिया है और अकड़ना भी शुरू हो गए हैं बाल, 1700 रुपये बढ़ गए मेरे। सो मैंने इसको अच्छा से स्प्रे किया सारे बालों को ऊपर आपके सामने, पीछे भी कर लेती हूँ हल्का सा। इतना ठंडा है तो ऐसा तरह से स्प्रिट लगा लिया बालों में, इसको मैं करने लगी हूँ बाल। और 1700 का प्रोडक्ट मुझे लग रहा है एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, पीछे से देखें क्या हाल हुआ है बालों का। और जिस तरह से इसने वाइट किए मेरे हेयर्स, और उसके बाद इसको ऐसे सहलाना होता है, बाल इतना अकड़ के दर्द करने लग गया। मेरा ना स्काल्प जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ के पानी की वजह से, ऊपर से शैम्पू ड्राई दो ऐसा लग रहा जैसे ना बाल ना अकड़ गए। ये देखें कंघा करके चेक करते हैं, अच्छा ऑयल तो मुझे लग रहा है कि सब कर लिया है शैम्पू स्प्रे ने, ये जो ड्राई शैम्पू बोलते हैं इसको, ऑयल तो सब कर लिया है। देखें ना ऐसे बाल ऐसे फ्लफी से वॉल्यूमाइज तो हो गए, बट मैं कंघा करके ना इसको सेट करके देखती हूँ और उसके बाद बताती हूँ मेरा फाइनल रिव्यू। कंघा कंघा इसी में पड़ा हुआ ये रहा। ओके ओके, कंघा करके वैसे असल पता चलेगा क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ हुआ था प्रोडक्ट और मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसका रिव्यू कर दें। ऑफिस जाना होता है जॉब करने के लिए, कहीं ना कहीं जाना होता है, फिर रोज़ रोज़ शैम्पू करना मुश्किल होता है, ऐसे पसीने से बाल चिपकने लग जाते हैं, तो ये बंदा बैग में रख लेता है और जब लग रहा है कि बाल थोड़े से ड्राई ड्राई हुए हैं तो इसको यूज़ कर लेता है। सो अब ये देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा, बीच की माँ निकाल के देखती हूँ, आपको बालों से आवाज़ भी आ रही होगी, बाल ड्राई हो गया इसके बाद फ़ौरन से, मतलब बहुत बाल तोड़ेगा ये, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा जो है ना ऐसे स्काल ऐसे हो गया है क्योंकि पता है क्या, बालों से सारा ऑयल से सब कर लिया बट ये वाइट वाइट जो बालों में शेड आ गया है ऐसे, जैसे ग्रे हेयर्स हो और ऐसे बूढ़ों वाला कोई बात नहीं, बूढ़े तो होना ही एक दिन, तो देखो बाल कितने तोड़े इसने मेरे क्योंकि ना ड्राई कर दिया इसने बालों को बहुत ज़्यादा। चले बूढ़ा तो यार एक दिन सब नहीं होना है, बट ये इस बिहेवियर पूजा ये देखें बाल बहुत ड्राई कर दिया इसने मेरा, और इतना कोई फ्लफी भी नहीं किया, बालों पे हाथ फेर रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ी पे हाथ फेर रहे हैं, झाड़ लग रहे हैं बिल्कुल बाल, और नॉट वर्थ बाइंग। करीब से भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखें सारे बालों में से सफ़ेदी सफ़ेदी सी नहीं आ जाती, ये देखें सारे बालों में से सफ़ेदी आ जाती है ना वैसे, और बाल इतने ड्राई हो गए, ये देखें आवाज़ आ रही होगी और स्काल्प पेन करने लग गया ड्राइनेस की वजह से। मैंने सोचा एक और चांस दे देती हूँ कि मैंने वीडियो में देखा है कि उनके जो बाल है ना वो गीले हैं लड़कियों के, यानी कि पसीने से उनके बाल गीले हैं, मैंने ये दिखाया उन्होंने, सो इसको अब एक और चांस देने लगी हूँ गीले बालों करके देख के
गीलो पे, गीले बालों पे इसके क्या रिजल्ट है, लेट्स सी। उनके तो वो गीले बालों पे स्प्रे कर रहा था, उनके बाल जब फौरन से ड्राई हो गए ना, और ऐसे फ्लफी हो जाते थे। मैं बता रहा, मुझे एक वीडियो के चक्कर में ना मेरा आज ही पूरा स्प्रे खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट मुझे इसके नजर नहीं आ रहा है। ये आपके सामने ही, अब गीले पे भी चेक करके देख लिया मैंने। बेकार प्रोडक्ट, बेकार तरीन प्रोडक्ट। हल्का सा ऑयल इसने खत्म किया है, उससे बेहतर है बंदा बाल धो ही ले। दूसरी चीज ये कि जो ड्राई शैम्पू है ना, ये कैंसर कॉज करते हैं। आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हो। लोग जॉनसन बेबी पाउडर को भी ऐसा ड्राई शैम्पू यूज करते थे कि पाउडर किया और इसे से झाड़ लिया तो वो भी ऑयल सक कर लेता था। सारे पाउडर्स ऑयल ऑयल सक करते हैं, बट ये आपके बालों को बहुत ड्राई कर देते हैं। बाल ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, आपके ब्रेकेज होती है बालों में, दो हुए, तीन हुए, चार हुए बाल हो जाते हैं, टूटते हैं बाल, और स्काल्प भी ड्राई जाता है, आपको भी बहुत हेयर फॉल होता है और हेयर थिनिंग भी हो जाती है आपको। सो मैं इस तरह से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्ट। मेरे तो 1700 रुपये जाया हो गए, मेरे बहुत पैसे जाया होते हैं यार। रिव्यू वीडियो के क्रम में मुझे लग रहा है एक दिन मुझे घर भेजना पड़ जाए, कि जितनी मेहनत से घर बनाया है, रिव्यू वीडियो के चक्कर में घर ही ना भेजना पड़ जाए। बहुत ज़्यादा कड़ गया। मैं इस वीडियो के बाद बालों को शैम्पू करूँगी। हालांकि मैं तैयार हुई थी कि ये शैम्पू स्प्रे कर लूँगी और बस उसे मैं रील वील रेडी कर लूँगी। झुमका गिरा रहे, इतने प्यार से झुमके भी पहने थे मैंने निकाल के, बट अब मुझे सर मेरा इतना दर्द करना शुरू हो गया है और बाल ऐसे अकड़ के अजीब से हो गए, जैसे मैंने ना बालों में ना क्या लगा लिया यार, गलती से साल या कोई चीज़ नहीं गिर जाती सर में, अजीब से बाल जाते हैं, वैसे हो गए बाल। नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 1700 रुपये मेरे खड्डे में बढ़ गए। इसके बहुत ज़्यादा एड चल रहे थे, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एड चल रहे थे इसका। मैंने वो एड देख के ही मंगवाया था, ये वो एड मैं स्टार्टिंग में भी लगा दूंगी। जिसके पास बहुत हराम के पैसे हैं आप लोग बाय कर सकते हो, जिसके पास हलाल के पैसे हैं बहुत मेहनत से कमाए मत बाय करना भाई। मेरा काम ही यही है, मैं हमेशा से प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ, अपने पैसे से प्रोडक्ट खरीदती हूँ, रिव्यू करती हूँ, ताकि वो लोग जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं वो ना लें, जो प्रोडक्ट अच्छा है वो लें, जो नहीं अच्छा वो ना लें, और उनके पैसे बच जाए। मेरे पैसे ज़ाया होते हैं इट्स ओके, बट उनके पैसे बच जाए, क्योंकि मेरा काम ही यही है रिव्यू करना। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे ना वकास के सर पर ट्राई करते हैं, वकास के ट्रांसप्लांट पे मजा आ जाता, बट वकास नमाज पढ़ने गए। वैसे आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। आप लोग प्रे कर लो और बताना आप लोगों को रिजल्ट नजर आया कि नहीं। अल्लाह हाफिज। सी पहले कैसे चिपक रहे थे, आप देखें। वेलकम टू रियलिटी।